ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो हम इतने सारे जो स्पॉन्सर्स हैं ये स्पेशली कम्युनिटी को हेल्प कर हेल्थ या एजुकेशन के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ईयर ऑन ईयर. जैसे लास्ट ईयर हमने एक डायलिसिस किया, सो ये हमारा स्पॉन्सर लीग के बारे में. इस साल हमने जो नया ऐड किया है सपोर्टर्स, या एक हम छोटी मैच रखते थे, नाउ प्रॉपर ऑक्शन के साथ एंड इन मेंस हम लोग 260 अनसोल्ड हो गए, आइदर फॉर लिमिटेशन ऑफ द स्किल्स, उनको एक ये कॉन्फिडेंस मिलेगी दे विल प्ले. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कुछ उसमें से पूछना चाहते हैं. हमें बहुत अच्छा लगा कि काय दुसरा स्पोर्ट्स, जसं आमचं भावाने सांगितलं लहान मुलांचं जे ज्युनियर आपण म्हणतो अंडर 14, कारण जेंट्समध्ये नमस्ते, मैं SPL सीज़न 5 की एक टीम ओनर हूँ. मेरी टीम का नाम है गंगा वॉरियर्स. ये पहली बार है SPL सीज़न में कि वुमेन टीम्स आगे आके खेलने वाली हैं. ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम वुमेन्स को चांस दिया जा रहा है कि हम आगे आके अपना टैलेंट शोकेस करें. तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है. इस बार वुमेन्स टीम लीड करेगी. आई गेस लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा वुमेन टीम्स के पीछे रहेगा मोर देन द मेन्स टीम. तो द मेन्स टीम की जो कम्युनिटी है उन्होंने 4 साल से बहुत अच्छा काम किया है. अभी इस बार वो लोग वुमेन्स टीम को लाके और अच्छा काम कर रहे हैं. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हम लोग बहुत एक्साइटेड है. हम लोग हमारा 100% देंगे एंड होपफुली वी आर गोना विन. वी आर गोना रॉक ऑन द स्टेज. वी आर ऑल गोना प्ले इन अ वेरी गुड स्पिरिट एंड वील हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली अभी जो सिंधी प्रीमियर लीग है हमारा 5th सीज़न है. इन द 5th ईयर हम लोग 261 मेंस प्लेयर्स के लिए ऑक्शन करेंगे. ऑक्शन वर्चुअल मनी से होता है, कोई पैसा नहीं होता है. जस्ट फॉर द गेम हम उसको 261 प्लेयर्स को 16 टीम में डिवाइड करेंगे. 192 लोग सोल्ड होंगे और बाकी अनसोल्ड होंगे. इस साल हमने ऐड किया है वुमेंस SPL, जिसमें 72 वुमेन ऐड हो गए हैं. 6 वुमेन टीम्स ऐड हो गई है जो इस साल ऑक्शन ऑलरेडी उनका हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर वुमेन्स हम लोगों ने स्पेशली अनसोल्ड कोई नहीं रखा है, बिकॉज फर्स्ट ईयर है. वी वॉन्ट टू गिव देम मोर प्रेफरेंस कि उनको ऐसे झिझक ना हो तो आगे आ पाए हर साल. और जैसे सिंधी प्रीमियर लीग का मेन उद्देश्य रहा है, ऑल द स्पॉन्सर्स जो भी हमको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस जो पैसे से हम लीग करेंगे, उस लीग में से जो हमारी सेविंग होगी वो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग डोनेशंस करेंगे. इस साल हम 10 लाख रुपए की डोनेशन करेंगे. लास्ट ईयर हमने 7,21,000 डायलिसिस मशीन में कंट्रीब्यूट किया था. ऑन द ओपनिंग डे हम अनाउंस करेंगे डोनेशन हम किसको कर रहे हैं और किस रास्ते से कर रहे हैं. इनफैक्ट ये हमारा सौभाग्य है कि हमको वो करने मिल रहा है. उसके अलावा फीमेल्स टीम का एक नया चीज़ हमने जो रखा है, फीमेल्स टीम के सारे नाम जो हैं वो इस अमेजिंग कंट्री के 6 नदियों के ऊपर हैं. गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, सिंधु एंड आई थिंक अमेजिंग वन. मेंस का जैसे आपको पता है सारा सिंधी सभ्यता के ऊपर हम नाम रखते हैं. अलग अलग सिंधी सभ्यता से जुड़े हुए जो नाम हैं, झूलेलाल, आर्यंस, सो इस एंड ऑल द प्लेयर्स जो हमसे जुड़ते हैं वो इतने अच्छी तरह से दिल से जुड़ते हैं कि आई थिंक उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सब दोस्तों से मिलें, खेलें और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें. सो आपका हमेशा साथ रहता रहे, आपकी वजह से हम लोग हर जगह पहुंच पा रहे हैं. माय नेम इज़ हितेश ददलानी, आई एम अ पार्ट ऑफ द SPL कमेटी. थैंक यू. बेसिकली मैं कवल खियानी SPL कमेटी का एक मेम्बर हूँ. और इस साल जी लीग है जो उसमें एक सामाजिक जो हमने सोचा है कि सब सिंधियों का साथ में आना, क्योंकि अभी आप देखेंगे हमारे जो 16 टीम्स हैं उनके नाम भी जो हैं वो सिंधी समाज से रिलेटेड हैं. तो बच्चों को जो आएंगे अब आगे जैसे पीढ़ी पर पीढ़ी, जिस साल इस साल जो यंगेस्ट प्लेयर है वो 14 साल का है, तो उसे पता चलेगा कि हमारे जो नाम है ये सिंधी समाज से कैसे जुड़े हुए हैं. जैसे मोहनजोदारो वॉरियर्स है तो मोहनजोदारो से हमारे सिंधी का क्या संबंध है. हमारे झूलेलाल सुपर किंग्स एक टीम का नाम है तो झूलेलाल भगवान है हमारे, इष्ट देवता देवता है हमारे. तो उनको बच्चों को ये समाज की हमारी भाषा कभी नहीं भूलेंगे. जैसे दिन ब दिन हम देख रहे हैं घर में भी इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, हिंदी का प्रयोग तो अच्छी बातें होना ही चाहिए, लेकिन साथ ब साथ हमारे सिंधी भाषा का भी प्रयोग उनको आना चाहिए. समाज के प्रति उनका जो भेदभाव होगा वो अच्छा होना चाहिए. इसीलिए उनको सिंधी को सब साथ में ला के और अच्छा कार्य करने का हमारा प्रयत्न है.